हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कोलकाता का फेमस बैगुनी, और जिसे बैगन पकौड़ी या बैगन भज्जी भी कहते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। आप इसे घर के इंग्रेडिएंट से इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बैगुनी या बैगन पकौड़ा बनाने के लिए हम एक कटोरी बेसन या एक कप बेसन लेंगे, और इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और स्वाद के लिए एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक चम्मच अजवाइन लेंगे, और इसे हाथों पे इस तरह मिलाते हुए हम बेसन में डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। बैगन पकौड़ा हमारा क्रिस्पी बने इसके लिए हम इसमें एक चम्मच चावल का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। बैगन पकौड़ा या बैगुनी बनाने के लिए हम बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे, या इसका थिक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर बना लेंगे, जिससे बैटर में एक भी लम्स ना रहे और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो। और हम इसमें एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो बैटर हमारा पतला हो सकता है और हमारे बैगन पकौड़े या बैगुनी अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का घोल प्रिपेयर करें, जिससे आपका घोल बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो, और इससे पकौड़ा बिल्कुल ही अच्छा और परफेक्ट क्रिस्पी और करारा बनके तैयार होगा। बैटर हमारा तैयार हो गया है, और अब हम इसमें खाने वाला सोडा या मीठा सोडा हम इसमें चुटकी भर डालेंगे, जिससे बैगन पकौड़ा हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। सोडा डालकर हम बैटर को अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे सोडा बैटर में अच्छे से मिल जाए या मिक्स हो जाए। और बैटर हमारा गाढ़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर को हमें इतना ही थिक रखना है। बैटर को एक मिनट के लिए रखेंगे, और अब हम एक बैगन लेंगे। यहाँ मैंने बड़े साइज का बैगन लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लें। और अब हम बैगन का ऊपर वाला भाग को इस तरह कट करके साइड कर लेंगे, और बैगन को हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। यहाँ मैंने बैगन को अच्छे से पहले ही धो लिया है, और हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। और अब हम बैगन को इस तरह गोल गोल साइजेस में पतला पतला कट कर लेंगे, जिससे बैगन पकौड़ा हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैगन को गोल गोल कट कर लिया है, और अब हम बैगन को दूसरे तरीके से भी कट कर लेंगे। यहाँ मैंने आपको दो तरीके से बैगन पकौड़े के लिए बैगन कट करना बता रही हूँ। आपको जो मेथड इजी और आसान लगे, आप उस मेथड से इजीली बैगन को इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। पतले पतले स्लाइसेस में कट करने से बैगन पकौड़ा बहुत ही अच्छा और फुला फुला परफेक्ट बन के तैयार होता है। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैगन को पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, और अब हम इसका पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रखा है। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे, और तेल गरम हो गया है। और अब हम बेसन के बैटर में बैगन डालकर इसे इस तरह घोल में डिप कर हम पकौड़ा के लिए तेल में डालेंगे, और इसी तरह हम सारे बैगन के स्लाइसेस को बेसन में डिप करके पकौड़ा बनाने के लिए तेल में डालेंगे। और पकौड़ा डालते समय गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे बैगन के पीस को पकौड़ा बनाने के लिए तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है,
और गैस का फ्लेम इस टाइम पे हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे पलट लेंगे। सभी बैंगनी या बैंगन पकौड़ा को हम इस तरह पलट लेंगे और पलट कर दूसरे तरफ से भी हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे या हम इसे चेक कर लेंगे कि बैंगन पकौड़ा हमारा अच्छे से पका है कि नहीं। और ये देखिए बैंगन में गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है और हम इसे इसी तरह से पलट कर दोनों तरफ से ही सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बैंगन पकौड़ा हमारा दोनों तरफ से गोल्डन कलर या सुनहरा कलर आ गया है और बैंगन पकौड़ा हमारे अच्छे से पक भी गए हैं और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो गए हैं। और अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और आप इसे सॉस चटनी किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।